नियंड्रथल यूरोप में करीब 2,50,000 साल पहले रहते थे। शोधकर्ताओं का परंपरागत रूप से मानना रहा है कि नियंड्रथल के पूर्वज अफ्रीका से आए थे और यूरोप की लंबी काली रातें और धुंधले दिनों में देखने के लिए उनकी आंखें बड़ी होती गई और दिमाग में जो हिस्सा दृष्टि को नियंत्रित करता है वह काफ़ी बड़ा हो गया था। शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि इनके कुछ पूर्वज अफ्रीका में रह गए थे। वो वहाँ रोशनी से भरपूर दिनों का आनंद उठाते रहे और उन्हें बड़ी आंखों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अफ्रीका में रहने वाले यही मानव बाद में हमारे भी पूर्वज बने, क्योंकि उन लोगों की आंखें और दिमाग नॉर्मल था, इसलिए वो मिलजुल कर एक समूह में रहने लगे। उनका दिमाग विकसित होता गया और उसके बाद वो अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैल गए, जिन्हें बाद में होमो सेपियंस कहा गया।